हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एके जी। यार, एज यू नो, मैं एक फुटबॉल फ़ैन हूँ और ऑब्वियसली फुटबॉल फ़ैन हो तो फुटबॉल जर्सीज खरीदना पसंद है, फुटबॉल जर्सीज रखना पसंद है। इंडिया में फुटबॉल जर्सी खरीदने के तीन चार तरीके हैं। एक, या तो आप ऑफिशियल एडिडास नाइकी के स्टोर चले जाओ, वहाँ से फुटबॉल की जर्सीज खरीद लो, जो थोड़े से एक्सपेंसिव ऑप्शन है, बिकॉज भाई वहाँ पे 3,500-4,000 के आते हैं जर्सीज। सेकेंड ऑप्शन है कि आप इंस्टाग्राम के स्टोर्स के ऊपर से खरीद लो, जो 600-700 तक की जर्सी देते हैं। एंड देर आर मल्टीपल स्टोर्स ऑन इंस्टाग्राम, कुछ मैं अच्छे स्टोर्स का नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एंड दे गिव यू प्रॉपर अच्छे जर्सीज। आप देख सकते हैं क्वालिटी, मैंने एक आध दो तीन चार बार मंगाए हैं, एंड दी क्वालिटी इज गुड, क्लोज टू दी ओरिजिनल वन। जो 3,000-4,000 के आते हैं वो 700-800 तक में आपका काम हो जाएगा। अनदर वे इज कि आप भाई अगर कोई बड़े शहर में रहते हो, मेट्रो सिटी में, तो वहाँ पे शॉप्स रहती हैं जर्सीज की, जैसे मुंबई में कोलाबा में आपको कई सारे जो है वो स्टोर्स मिल जाएंगे, पुणे में कैंप में मिल जाता है, और कोलकाता में भी भाई हाई स्ट्रीट वगैरह होंगे जहाँ पे आपको जर्सीज मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आपको 700-600 के ही जर्सी मिल जाते हैं, और वही जर्सी ऑनलाइन बिकते हैं इंस्टाग्राम के स्टोर्स वगैरह में। बट दिस वन वे ऑल्सो, एंड दैट इज टू बाय फ्रॉम अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड व्हेन आई वेंट On Amazon to see कि भाई वहाँ पे जर्सीज कैसे हैं। 200-250 रुपए की जर्सी हैं यार। So I thought let's order those jerseys and see the quality which they are offering at 200-300 rupees। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 200 रुपए वाली जर्सियों का रिव्यू तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो जो 600 रुपए वाली जर्सियाँ मिलते हैं ना फैन वर्जन की इंस्टाग्राम पे, उससे भी मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि एक्स्ट्रा 400 रुपए में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, और जो प्लेयर वर्जन मिलता है 1200 रुपए का, सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट जर्सी का इंडिया में, उससे भी कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो। लाइक एम रखते हैं हम लोग 1000 लाइक्स का। सो आई एम ऑन द पेज ऑफ अमेजन, और यहाँ पे अमेजन में मैंने लिखा है फुटबॉल जर्सीज। देयर आर कपल ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ मी। सबसे पहले आते ही साथ मेसी से जो है वो आगमन करवा दिया है। आगमन कैसे हुआ है? मेसी की ये जर्सी है भाई साहब, यहाँ पे 350 रुपए की जर्सी है। आई कैन सी दी फ्रॉम दी फोटोज, मैं ये जज कर सकता हूँ कि दिस इज दी जर्सी जो थोड़ी सी भाई साहब वो सब्लिमेशन वाली जर्सी नहीं रहती है, वो वैसी जर्सी है ये। मतलब ये तो भाई बंदे ने कंप्लेन किया कि मेरा देखो फाटा अच्छी तरह दे दिया है, डैमेज दे दिया है, बट मैं ये देख करके समझ पा रहा हूँ कि सब्लिमेशन वाली जर्सी है, स्टिकर नहीं है, स्टिक्ड नहीं है जो ऐसे ओरिजिनल जर्सी में रहती है, ये सब्लिमेशन हुआ है। लेकिन ये 350 रुपए का मिल रहा है, तो हाफ प्राइस है आप कह सकते हैं। बाकी मैं भाई अमेजोन में एक चीज मैंने ये नोटिस करी कि देयर आर नॉट मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फुटबॉल की जर्सी का। आप देख सकते हैं मैं जैसे ही खोलता हूं, 800-900 रुपए की यहां पे कुछ जर्सीज मिल रही हैं, जो ऑब्वियसली यार वो इंस्टाग्राम वाली जर्सीज होंगी जो 600-700 की मिल जाती हैं। बट उसके बाद देखो यहां पे इनके पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, ये फिर कुछ भी देने लग गए भाई। ये बनियान में देखो बॉडी बिल्डर खड़ा हुआ है, ये थोड़ी चाहिए अपने को अपने को फुटबॉल की जर्सी चाहिए, ये भाई चेन्नई सुपर किंग की जर्सी दे रहे हैं। तो भाई अमेजोन में उतने सारे ऑप्शंस मुझे नहीं मिले, और जो मिले वो मुझे समझ में आ गया कि यार ये तो सब्लिमेशन वाली है। जैसे एक ही जेनरिक, पता नहीं भाई ये क्या है, जेनरिक कंपनी का नाम ही जेनरिक, तो ये भी जर्सी जो है वो 300 कुछ रुपए का नेमार का मिल रहा है, जो भाई साहब यहाँ पे देखने में समझ में आ जा रहा है कि हाँ ये जो है वो भाई साहब जो है वो सब्लिमेशन वाला ही होगा। मोर ओवर, बट व्हेन यू गो ऑन फ्लिपकार्ट एंड सर्च फुटबॉल जर्सी, जैसे मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट में जाकर के फुटबॉल जर्सी लिखा हूँ, भाई देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो 250-250 रुपए के हैं, एंड आई नो दैट ये सब्लिमेशन वाला होगा, बट कहाँ पे 800 रुपए जो इंस्टाग्राम की जर्सी से बिकते, कहाँ पे 200-250 रुपए, तो फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे यार तुम देखो, मैंने एक चीज नोटिस किया कि तीन स्टोर्स हैं, एक टैकी करके है और एक RJM करके और एक ही यूनिक करके है। सो देयर आर थ्री स्टोर्स जो ये सब वाली जर्सीज बेच रहे हैं 200-250 रुपए के, एंड देयर आर मल्टीपल जर्सीज अक्रॉस दी स्टोर, जो रोनाल्डो, मेसी, नेमार, अर्जेंटीना, लिवरपूल देख सकते हो तुम लोग, भाई एक से एक जो है वो 300-300, 200-250 रुपए की जर्सीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये मेरे को जो है वो एक अच्छा सौदा लग रहा है देख करके, एज कम्पेयर टू अमेजन। तो मैं यहाँ पे जो है वो बेस्ट जर्सीज भाई साहब करके रखा हूँ सिलेक्ट, जो मैं मंगाने वाला हूँ और अपने 2000 रुपए ठोकने वाला हूँ ये देखने के लिए तुम लोगों के लिए कि इनकी जर्सीज कैसे होती हैं। तो एक एक करके जो है मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि विच आर दी जर्सीज विच आई एम ऑर्डरिंग फ्रॉम दिस साइड। तो सबसे पहले वी आर ऑर्डरिंग दिस यूनिक पैक ऑफ टू मैन प्रिंटेड राउंड नेक मल्टी कलर टी शर्ट। नो भाई, अब ये यार ये कॉम्बिनेशन देख रहे हो तुम, विराट कोहली और धोनी का कॉम्बिनेशन दे रहा है 500 रुपए में मुझे। मैंने बोला यार ये सौदा है जो मैं खेल सकता हूँ, तो मैंने बोला यार इसको ले लेते हैं, तो मैंने इसको जो है वो एड टू कार्ट कर दिया है। दी सेकेंड जर्सी विच आई विल बी बाइंग इज दिस बायन की जर्सी, व्हाइट एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ माई फेवरेट, एंड आई वॉन्टेड टू सी हाउ मच दे आर एबल टू रेप्लीकेट ऑन भाई साहब सब्लिमेशन के थ्रू। तो ये यहाँ पे एक ये जर्सी है बायन वाली जो मैं खरीदना चाह रहा हूँ, और बिलीव मी फ्लिपकार्ट में दीज आर दी ओनली स्टोर्स RJM टैकी जिनके ठीक ठाक रिव्यूज हैं। इफ दिस इज RJM मेरा भाई, RJM तू बहुत सेक्सी लग रहा है भाई लेकिन तेरे बाल का हेयर स्टाइल अब ओल्ड स्कूल हो चुका है भाई, बस कट करवा ले
लेकिन यार ये भाई 270 रुपए की नेमार की जर्सी है, मेरे पास ब्राजील की जर्सी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ चलो ठीक है मंगा लेता हूँ। एक मैन सिटी की जर्सी है जो हालैंड लिखा हुआ है 9 नंबर, तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई ट्राई मार लेते हैं क्या है, मैन सिटी की भी जर्सी नहीं थी, रोनाल्डो भाई की जर्सी भी नहीं थी, 7 नंबर लिखा हुआ है रोनाल्डो, मैंने बोला इसको मंगा लेते हैं। और यहाँ पे एक रोनाल्डो की अल नसर की भी जर्सी है, मतलब ये तो भाई ये नहीं मंगाए तो फिर इस चैलेंज का कोई कहानी नहीं है। तो दिस आर दी जर्सीज विच आई हैव सिलेक्टेड फ्रॉम दी स्टोर ऑफ फ्लिपकार्ट एंड दीज मैनी जर्सीज, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जर्सी हैं जो मुझे 2000 रुपए पड़ रहे हैं, ओ माई गॉड। बट ठीक है चैलेंज है, तो देखते हैं भाई कैसे इनकी 200-250 रुपए के जर्सीज आएंगी। सो आई एम प्लेसिंग द ऑर्डर राइट नाउ, मिलता हूँ जब सभी ऑर्डर्स मेरे पास डिलीवर हो जाएंगे। 2000 रुपए खर्चे करके हमारे पास जर्सियां आ चुकी हैं दोस्तों, और थोड़ा ज्यादा ही हैं, ठीक है, तो एक के बाद एक जो है वो अनपैकिंग करेंगे। अभी हमारे पास है ये कौन सा वाला है, दिस इज रोनाल्डो एंड ब्राजील की जर्सी, ओके सो इसको खोल करके देखते हैं भाई ये कैसा है। अरे भाई लुक्स इट्स लुकिंग कूल आई गेस 200 रुपए के हिसाब से, बट ऑब्वियसली ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स वेयर लिखा हुआ है, जो कि इट्स नॉट नाइकी, इट्स नॉट एनीथिंग, इट्स स्पोर्ट्स वेयर, ठीक है बट ठीक है स्पोर्ट्स के ही वेयर है, बट ओ बैच ऐसे लगा नहीं हुआ है, इट्स लाइक प्रिंटेड ऑन दी जर्सी इटसेल्फ, बट नाइक की लोगो इस कुछ ज्यादा ही करेक्ट आई है, इतना करेक्ट तो ऑफिशियल उसमें भी नहीं आती है, बट ठीक है यहाँ पे भी फीफा का लोगो है एंड इट्स क्वाइट विजिबल, लाइक फीफा लोगो इज ऑल्सो क्वाइट विजिबल। बाकी नेमार की नाम आपको पीछे दिख रहा है, नेमार जूनियर लिखा हुआ, दी फॉन्ट एंड एवरीथिंग इज करेक्ट, तो 200 रुपए के हिसाब से इट्स ठीक है, इसको डाल के देखेंगे। एंड नो ब्रांडिंग यार दोस्तों, कोई ब्रांडिंग यहाँ पे नहीं है, 20 नंबर लिखा हुआ है ठीक है। सो ये रोनाल्डो की पीली जर्सी निकाल लेते हैं। दी कॉलर एंड शर्ट इज लाइक परफेक्ट यार, एंड ओ दी फॉन्ट इज ऑल्सो ठीक ठाक, एंड दिस इज ऑल्सो सब्लिमेटेड, दिस इज नॉट भाई साहब ऐसे स्टिकर वगैरह, दिस विल गो अलॉन्ग लाइक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई गेस, ये निकलेगा नहीं, इट्स लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग फाइन टू मी, बट इसको भी पहन के जो है वो देखना पड़ेगा। एनीवे देखते हैं क्या है। ओके ये लाल वाली जर्सी कौन सी थी, ओके ये रोनाल्डो की जर्सी है, और 3 जर्सी है इसमें दोस्तों, एक है मैन सिटी की, भाई ये बहुत वाहियात लग रहा है यार, ये कुछ ज्यादा ही वाहियात लग रहा है, ओ माय गॉड दिस वन इज लुकिंग बहुत वाहियात, ओ माय गॉड भाई इसकी बैजिंग इतनी गंदी, इसकी कलर इतनी गंदी, इट्स नो वेयर लुकिंग क्लोज टू द ओरिजिनल मैन भाई, और इसका कपड़ा भी इतना गंदा है, इतना गंदा कपड़ा भाई, इसमें मैं दिख रहा हूँ तुमको ट्रांसपेरेंट, खैर मैं कल सुबह की एक वीडियो तुमको दिखाऊंगा, बट भा This is looking fake as fuck. वो येलो वालियां तो एक बार को ठीक भी थी यार, but this is looking so fucking fake, man. भाई साहब. Although the font and shit is like again, it's not ये stickery type है, but rubberized है ये. Okay. ठीक है बट भाई नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस जर्सी बिकॉज क्वालिटी कपड़े की इतनी गंदी है कि मैं तुमको क्या बताऊं। क्या दिस वन इस ये थोड़ी सी मुझे ठीक लग रही है बट सैडली इसमें कुछ नाम ही नहीं है, और मैं तो नाम के लिए ही मंगाया था जर्सी भाई, कुछ नाम ही नहीं है इसमें, ये क्या है लेकिन ठीक है अगर ऐसे देखे तो ये थोड़ी सी फिर भी मुझे ठीक लग रही है, ऑल दो एवरीथिंग हियर इज बाई प्रिंटेड, ये स्टिच्ड नहीं है, बट ये फिर भी थोड़ी सी बेटर लग रही है। ठीक है भाई रोनाल्डो का नाम लिखा है, इवन ये इसमें ये प्रिंटेड है, ये रबराइज नहीं है, सब प्रिंटेड है, इवन फीफा कतार का भी यहाँ पे लोगो है, सो आई गेस ये वाली की इट्स ये थोड़ा सा बेटर है, दिस वन इज लुकिंग फाइन टू मी, लाइक सस्ता सुंदर टिकाऊ, यहाँ पे भी जो है वो अच्छा है, फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड का लोगो है एंड इट्स लुकिंग फाइन टू मी यार, इसको पहन के देखेंगे। अब ये आखिरी है हमारे पास, और यहाँ पे है हमारे पास आई गेस IPL वाली जर्सियां आती है, और भाई अरे यार ओके ये इंडिया की जर्सी है, इट्स लुकिंग फाइन टू मी, लाइक ठीक है, ठीक लग रहा है यार, ये ठीक लग रहा है, इसकी प्रिंटिंग भी अच्छी है, और ऑब्वियसली अगेन नथिंग रबराइज्ड और एनी सॉर्ट ऑफ दैट, ओ भाई ये रबराइज्ड है, व्हाई द फक इज दिस रबराइज्ड, भाई अगर रबराइज्ड नहीं देते तो कितना लंबा चलता, ये रबराइज्ड है, विराट कोहली का नाम है, ठीक है ये सही लग रहा है यार, ये 200 रुपए के हिसाब से सही है, IPL की जर्सियां ठीक आई हैं, मतलब सही है, सब लोगोज हैं इसमें, और पीछे धोनी का भी नाम है, और ये आर्मी वाली प्रिंट भी है, विसिल बोड़ू भी लिखा हुआ है भाई, और क्या चाहिए भाई, ये पूरी जर्सियां मैंने यहाँ पे रख दी है, ये देख लो पास आ जा दिखा दे, ये देख लो भाई बायर्न की है, चेन्नई की है, पोर्तुगल की, तो मैं अभी ना क्या करूंगा कि एक एक पहन के आपको दिखाऊंगा कि इसकी फिटिंग कैसी है, तो इसको पहनते हैं,
ये बायन वाली जर्सी ना मेरे को बीइंग वेरी ऑनेस्ट जितनी जर्सियां मैंने मंगाई उनमें से सबसे सही लगी। इसमें बात ये है ना कि और तो ये सब जो है वो सब्लिमेटेड है। तो देखो इसमें ये एडिडास का ऐसा कपड़ा लगा हुआ है तो ये ऐसे रहता है, बट इसमें देखो ये प्रिंटेड है। बट क्वालिटी बहुत सही है, मतलब अगर मेरे को ऐसे फुटबॉल खेलने जाना है अपने दोस्तों के साथ तो मैं आराम से इसको पहन के जा सकता हूँ। और क्वालिटी कपड़े की ठीक है, ऐसा कुछ बहुत गड़बड़ नहीं रहा है। और प्रिंटिंग काफी सही है, मतलब प्रिंटिंग में कोई दुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है। देखो छोटे छोटे डॉट भी बने हुए हैं जिसमें बायन का ही है, ऑल दो पीछे कुछ वो नहीं है। तो इसकी क्वालिटी मेरे को पर्टिकुलरली बहुत अच्छी लगी। ये बायन की जर्सी 200 कुछ रुपए की है। दूसरा जर्सी ट्राई करते हैं, चेन्नई की ट्राई करके देखते। ये चेन्नई की जर्सी तो लग रहा है एक साइज छोटी भेज दी है उसने मुझे, बहुत टाइट आ रही है, बहुत ज्यादा स्मॉल है ये। बट यार ये जर्सी बीइंग वेरी ऑनेस्ट इसका और इसका क्वालिटी जो अभी मैंने आप लोगों को बयान के दिखाया वो क्वालिटी काफी अच्छा है कपड़े का। लाइक ये वैसी कपड़ा है जैसा कैसे समझाऊं अपन का जो स्पोर्ट्स वेयर रहता है ना वैसा कपड़ा है। ऑल्दो उतना स्मूथ नहीं है जितना नॉर्मल स्पोर्ट्स वेयर रहता है जैसे HRX वगैरह का तुम लोग खरीदोगे 200-300 रुपए का, तो ये भाई बहुत टाइट उसने मुझे दे दिया है। बट इसकी भी फिटिंग काफी सही आई है। दिस जर्सी इज लुकिंग पर्टिकुलरली वेरी गुड। पीछे भाई धोनी का है और आई विश ये एक साइज बड़ी रहती ना तो मैं इसको पहन के गली में भी निकल सकता था, लेकिन भाई इतनी छोटी इतनी टाइट है मैं इसको पहन के गली में निकलूंगा तो बोलेंगे 4 साल पुरानी जर्सी पहन गया है। एनीवेज अब ट्राई करते हैं ये पुर्तगाल वाली जर्सी। यार ये भी थोड़ी सी टाइट है, ये मैं शायद जिम करके आऊँ तो मेरी बॉडी जरा सी पंप है तो शायद मेरे को टाइट लग रही है। बट इसकी कपड़े की क्वालिटी थोड़ी सी इन्फीरियर है वो बायन वाले से और चेन्नई वाले से, बट ठीक है। लाइक अगर आपको वही है, अगर मैच आज खेलने जाना है दोस्तों के साथ ऐसे ही टाइम पास करने जाना तो यू कैन बाय दिस। ऑब्वियसली इट्स नॉट ओरिजिनल, वो तुम्हारा दबदबा नहीं बनेगा जो तुम शायद वो 600 या 800 वाली जर्सी पहन करके जाओगे तो, बट 200 रुपए में यार इट्स फाइन फॉर प्लेइंग अ ऐसा कैजुअल सा फुटबॉल मैच, या फिर इफ यू इवन वांट टू हैंग ऑन योर वॉल तुम ये खरीद सकते हो 200 रुपए के हिसाब से। एनीवेज अब सबसे वही आज जर्सी मैं ट्राई करने वाला हूँ और वही की मैन सिटी वाली जर्सी। द कलर इज सो फकिंग ऑफ, मैन सिटी थोड़ा स्काई ब्लू रखती है, ये भाई तोता कलर है जो डिस्टेम्पर लगता है घरों में, बहुत टट्टी कलर और ठीक है। और इसकी कपड़े की क्वालिटी इतनी गंदी की लेबर को भी दूंगा ना तो लेबर ही फेंक देगा, बोले भाग साले क्या कर रहा है ये, तो भाई बहुत गंदा है। बट ठीक है वीडियो के लिए थोड़ी सी टाइट है, द सेम रीजन जिम से आया हूँ तुरंत, बट भाई ये चुभ रहा है कपड़ा मेरे शरीर में, मां कसम बहुत गंदा है। और इसमें तो कोई लोगो भी नहीं है, ना प्यूमा की लोगो है ना कहीं कुछ नहीं है भाई, ये तो भाई फ्री में भी मत खरीदना कोई देगा तुमको, तो बहुत सारी क्वालिटी भाई। एनीवेज इंडिया का ट्राई करते हैं एंड इसकी कपड़े की क्वालिटी इज वंस अगेन वेरी सुपीरियर सेम टू दैट चेन्नई वाली एंड बायन वाली। सो बहुत प्यारा कपड़े का क्वालिटी है, ये देख सकते हो तो बहुत स्मूथ सा कपड़े का क्वालिटी है। और इसका क्वालिटी देखो भाई रिंग रिंग, और ये सुनो फर्क तुमको सुनाई दे दिया होगा। खैर इसको पहन के देखते हैं, बट इसमें एक ये बात है ना ये विराट का रबड़ वाला उसने चिपकाया है और बहुत ऊपर चिपका दिया गधे ने, बट ठीक है। जर्सी भाई दिस वन इज लुकिंग रियली वेरी कूल एंड भाई ये बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी है, ये मैं नॉर्मल पहन के भी निकल सकता हूँ, मेरे को फिट भी आई है एकदम प्रॉपर जो मेरे को एम आती है। पीछे विराट आई नो थोड़ा उसने ऊपर कर दिया, शायद यहाँ पे कहीं पे रहता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर, बट दिस जर्सी इज गुड। इसकी कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है, प्रिंटिंग की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब सही साइड प्रिंटेड है, ये भी प्रिंटेड है, नथिंग इज लाइक ऐसे ऑन दी कपड़ा कपड़े के ऊपर वाला हिसाब नहीं है, दिस इज लुकिंग वेरी गुड आई है। आखिरी जर्सी और वो है रोनाल्डो की जर्सी, और अच्छी एक और बच्ची हुई है ब्राजील वाली, खैर मैं वो नहीं पहनूंगा यार, सब सेम सेम सी है, इसको पहन के खत्म करते हैं। सो भाई रोनाल्डो की ये वाली जर्सी आ गई है, ये भी सही है, मैंने ओरिजिनल वीडियो देखी है, कॉलर कुछ ऐसा ही है उसका भी, और पीछे रोनाल्डो का नाम है, ये भी प्रिंटेड है रबड़ नहीं है तो सही लग रहा है, और इसकी भी फिटिंग सही है, इसका भी कपड़ा क्वालिटी स्मूथ है जैसा इंडिया का था। और भाई साहब अपने ये लास्ट है नेमार वाली, यार इसको नहीं पहनूंगा, इसमें पहन तुमको बता ही दे रहा हूँ, इसकी भी क्वालिटी ठीक सी है, ये भी थोड़ी सी घरखर वाली कपड़ा है वो, ये स्मूथ वाला कपड़ा ना अलग है, ये घरखर वाला कपड़ा अलग है, मैं तुमको दिखाता हूँ अभी, तो ये वही थोड़ा सा गड़ने वाला कपड़ा है, बट इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, बट ये ठीक ही लग रहा है, ऐसा कुछ बुरा नहीं लग रहा है। एनीवेज तो अब मैं वो कंपेयर करके बताता हूँ, ये है तुम्हारा फैन वर्जन, ये है तुम्हारा सब्लिमेशन वाला, और ये है प्लेयर वर्जन। सो दिस वन कम्स अराउंड 600 से 700 रुपए। अब इसमें क्या रहता है कि ये जो पास आ जा, ये जो लोगो है वो स्टिच्ड लोगो है, ठीक है। अब ये सब में देखो ये सब लोगो जो है वो प्रिंटेड है ऑब्वियसली, अब ये जो है वो स्टिच्ड लोगो है और ये कपड़ा ही लगा हुआ है अलग से, इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। ये भाई अपना जो है वो सब्लिमेशन है, ये मतलब प्रिंटेड है, और इसका भी लोगो देखो एम्ब्रॉयडरी वाला है, और इसमें जो स्टिकर्स लगे रहते हैं वो चाहे स्पॉटिफाई का हो, पीछे तुम कुछ नाम लिखवाओ, सब जो है वो रबराइज्ड रहता है,
प्लस इसमें तुमको बैचेस वगैरह भी वाले मिल जाते हैं, तो ये सही है। प्लस पीछे भी जो स्टिकर विस्टिकर लग रहेगा वो भी स्टिकर है, और ये जो है वो भी तुम लोग को जो है ये सब मिलेगा। वही बात, ये देखो सब्लिमेशन वाले में तो कुछ चिपका नहीं है, ना नाइक का लोगो चिपका है, ना ब्राजील का लोगो चिपका है, ये सब प्रिंटेड है भाई, तो इसमें तुमको सब प्रिंटेड वाला मिलेगा। और ये वाला कपड़ा जो मैं तुम लोग को बता रहा था, देखो ये वाला कपड़ा तुम लोग को दिख रहा है, ये लकीरें दिख रही है, ये घिस घिस कपड़ा है। तुमको मैन सिटी वाली दिखाऊं जो वाहियात मैं कह रहा था, ये भी देखो ये वो एक घिस घिस वाला कपड़ा है। एट द सेम टाइम देखो मैं चेन्नई वाली दिखाऊं तो देखो ये वो घिस घिस कपड़ा नहीं है, ये स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्मूथ है। ये बायन वाली देखो ये भाई बहुत ज्यादा स्मूथ कपड़ा है, देखो इसमें कुछ घिस घिस आवाज नहीं आ रही है। ये प्लेयर वर्जन है और ये काफी ज्यादा कपड़ा जो है वो नेट टाइप का कपड़ा रहता है और बहुत पतला रहता है, जिसमें कोई पसीना सीना नहीं आता है। और इनके जो स्टिकर्स रहते हैं वो रबराइज्ड रहते हैं, सेम जैसे तुम ओरिजिनल जर्सी खरीदोगे एडिडास के शोरूम से, वैसी ये जो रबराइज्ड है, ये भी इसका ये भी जो है वो भाई रबराइज्ड है एकदम, तुम देख सकते हो। और पीछे इसका नाम आम भी तुमको मिलेगा, तुमको ये जो मिलेगा लोगो ये भी देखो अलग से रबराइज्ड है, ये भी रबराइज्ड है। ऑन दी अदर हैंड ये सब जो लोगो रहते हैं वो सब एम्ब्रॉयडरी वाले रहते हैं। तो ये डिफरेंस है एक फैन वर्जन में, एक प्लेयर वर्जन में, जो थोड़ा सा सुपीरियर क्वालिटी का रहता है, और सब्लिमेशन वाले जर्सी में जो ऑब्वियसली प्रिंटेड रहते हैं इसमें पूरा काम, बट प्रिंटिंग सही है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब है। देखो भाई मतलब हर एक डिटेल दिया है उन्होंने, ये जो चतुर लेपर्ड टाइप का डिटेल है वो यहाँ पे दिया है। बायन वाली जर्सी में मैं तुम लोग को दिखाना चाह रहा था कि डॉटेड जो उनका डिजाइन होगा, देखो ग्रे ग्रे डॉट्स बने इसमें, वो भी इसमें जो है वो बायन वाली जर्सी में दिया है, बट भाई ये तो बहुत वाहियात है। अब ना देखो एक बात ये रहती है, जैसे जो ये स्टिकर रहता है ना, ये वाला स्टिकर हो गया, ये स्पॉटिफाई वाला स्टिकर हो गया, जो तुमको 600 और 700 वाली जर्सियों में मिलता है, ये वाला तो महंगा है जर्सी 1200 रुपए का है। ये प्लेयर वर्जन महंगा आता है, फैन वर्जन सस्ता आता है। ये स्टिकर्स निकलते हैं, जैसे ये देखो ये मेरा बहुत पुराना जर्सी है, 2016 भी नहीं मैं बोलूंगा 17 का जर्सी है, देखो इसका ये निकल गया शेवरलेट का, ठीक है। पीछे इसमें पोगबा का नाम लिखा हुआ था, वो नाम तो अब मिट ही चुका है, जैसे पोगबा यूनाइटेड से मिट चुके हैं, देख रहे हो ऐसा हो जाता है। बट एक चीज इसमें ये फायदा है कि ये सब कभी निकलेगा नहीं, लाइक दिस विल बी लास्टिंग लॉन्गर देन ऑल ऑफ दीज जर्सीज। तो मैं ये बोलता हूँ यार, ये सब जर्सी जो रहती है ना, नाम आम वाली, ये प्लेयर वर्जन वाली, ये तुम सजाने के लिए खरीद सकते हो, इफ यू आर अ कलेक्टर लाइक मी, जो जिसका हॉबी है कलेक्ट करना, वो इसको कलेक्ट करने के लिए खरीद सकता है। बाकी ये सब जर्सी तुम अगर फुटबॉल खेलने जा रहे हो तो तुम खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, कूदने के लिए ये सब ले सकते हो, ये भी सही ऑप्शन है, लाइक 200 रुपए, 600, 700 रुपए एंड देन 1200 रुपए, सो डिफरेंस तुम्हारे सामने है। अब इन 200 रुपए में भी हर जर्सियां अच्छी नहीं आई हैं, कुछ कुछ अच्छी आई हैं और कुछ कुछ एकदम वाहियात आई हैं। तो जो जो अच्छी आई हैं मैं कमेंट में जो है वो लिंक छोड़ दे रहा हूं, तुम जाकर के बाय कर सकते हो। ऐसी और भी कुछ जर्सियां हैं, कुछ सब्लिमेशन के भी आती हैं जिसमें लोगो वगैरह जो है वो एम्ब्रॉयडरी रहता है, उनको भी जो है वो भाई साहब डिस्कवर करेंगे किसी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, कैसा लगा वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। दिस इज अशोक, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।